गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग शराफत पठान। गाइस आज जैसा कि हम आ चुके हैं दानी चैन के पार्ट में और आज हम बाबा जी को बुलाएंगे और गाइस बाबा जी को पूछेंगे कि जैसे कि बाबा जी ने बोला था कि वहां पर नारियल आपको रखना है और उसके अंदर चिट्ठी लिखनी है, तो हमने जैसा बाबा जी ने बोला वैसा करा। लेकिन गाइस वहाँ पर थोड़ी सी मुझे ऐसा लगा कुछ मिस्टेक हुई, क्योंकि जैसे नारियल जो था वो अपने आप हाथों से मेरे जो है छूट गया था और फिर हमने वजीफा करके वहाँ पर रखा, लेकिन हमें पीछे से कुछ आवाज़ ज़रूर आई थी। तो ये सब अभी बाबा जी से हम बुलाते हैं बाबा जी को और बाबा जी से पूछते हैं कि बाबा जी आखिर आपने जैसा बोला वैसा हमने काम किया, क्या वो काम सही से हुआ है या नहीं हुआ, जो भी होगा बाबा जी बताएंगे। और फिर जो है दानी जैन की आत्मा से हम बात करने की कोशिश करेंगे आज। अब कोशिश हम पूरी करते हैं, लेकिन देखते हैं बाबा जी का क्या फरमान होता है, क्या वो कहते हैं, क्या हमारी बात हो पाएगी या नहीं। तो गाइज व्लॉग को एंड तक देखना, बहुत ही आपको इस व्लॉग में जो है दानी जैन की आत्मा से एक्साइटेड हूँ मैं भी बात करने के लिए और बाबा जी देखते हैं कि बात करवा पाते हैं या नहीं। और गाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया हो तो इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कीजिए। और आज मैं अपनी एक इच्छा रखना चाहूँगा और वो इच्छा आज मैं बाबा जी के सामने ही रखूँगा, क्योंकि दोस्तों मैंने सभी की मसले मतलब हल करवाए सभी से, लेकिन मैंने कभी अपना मसला या अपनी इच्छा बाबा जी के सामने नहीं रखी है। तो आज मैं बाबा जी के सामने एक इच्छा रखूँगा और उस इच्छा में आपका भी सपोर्ट होना ज़रूरी है। तो क्या इच्छा रहती है वो और क्या मेरी बाबा जी से कामना है कि मेरी वो इच्छा पूरी हो जाए, और उसमें आपका सपोर्ट रहना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले तो चाहिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और आपके जो भी मसले आप हमें बताइए, अगर हमसे हल हुए तो हम बाबा जी के थ्रू आपके हल करवाने की कोशिश करेंगे। तो शाहरुख भाई रेडी हो? ओके चलिए, तो बाबा जी से टेक करते हैं। याल मखदूम याल मखदूम याल मखदूम, बाबा जी आप जहाँ कहीं भी हो शाहरुख के शरीर में आइए, हमें आपसे बात करनी है। याल मखदूम याल मखदूम याल मखदूम, बाबा जी आप जहाँ कहीं भी हो शाहरुख के शरीर में आइए, हमें आपसे बात करनी है। याल मखदूम याल मखदूम याल मखदूम। अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी सबसे पहले आपको सलाम करता हूँ और बहुत तहे दिल से आपके शुक्रिया अदा करता हूँ कि बाबा जी आप हमारे साथ हो और मैं जब भी आपको याद करता हूँ आप आ जाते हो। इतना एहसान करने के लिए और इतनी हम पर करम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। अब बाबा जी मैं आपको बात बताना चाहूँगा जिस मसले के लिए। आइए तशरीफ लाइए। बिल्कुल बाबा जी को भी लेकर आइए, बैठिए तशरीफ लाइए। हमारे बच्चों ने याद किया है आज हमें। बिल्कुल बिल्कुल। अब बता क्या मसला है आखिर में तेरा। बाबा जी जैसा मैंने बताया आपको यही कि जैसे नारियल जैसे बाबा जी मैं वहाँ पर लेकर गया जैसा आपने बोला और मैंने वो चिट्ठी पर भी रखा, जैसे ही मैंने नारियल को हाथ में लिया तो नारियल अचानक से उछला और थोड़ा दूर जाके गिरा। फिर मैंने मोनू का बोला कि मोनू लेकर आओ आप, तो मोनू जो है नारियल मेरे सामने इतनी हिम्मत दे देख रहे हो आपकी ये जो बूटा है ये देखिए आप दोस्तों ये हिल रहा है अभी। उनसे कुछ बाबा जी की कुछ होंगे वो पहले छोड़ो। इसे परेशान मत करो, तुम तुम्हारा काम करो। जी बाबा जी जी बाबा जी। तो बाबा जी जैसे वो नारियल हमने फेंका तो बाबा जी वहाँ पर वो गिर गया, फिर मैंने मोनू को लेने भेजा, उसके बाद वजीफा पढ़ कर मैंने उसको नारियल को वहाँ रख दिया। फिर जैसे मैं पीछे से आ रहा था मुझे ऐसे कुछ आवाज़ सुनाई दी और एक बदबू सी आई थी बाबा जी। तो बाबा जी मैं ये चाहता हूँ कि आखिर वो क्या चीज़ थी
और बाबा जी मैं दानी जैन की आत्मा से बात करना चाहता हूँ, और क्या हमने वो काम किया वो सही किया या नहीं किया। चलो बिल्कुल बेसक बेसक हो जाएगा। बस तुम हमारे सामने उनको हाजिर करो। हमारे बच्चों से होशियारी, हमारी रूह बसती है इनके अंदर। जाओ आप बैठिए, जब बिल्कुल बिल्कुल जब आपका आपकी बारी आएगी, जब आपकी ताकतों का नमूना बताना इनको, ये तुम्हारी ताकतों से रूबरू नहीं है। जिस दिन ये रूबरू हो जाएंगे उस दिन तुम देखना आइए। बिल्कुल बैठा दो इधर, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? नहीं बताओगे चपेड़े लगाओ इसे, ठीक है चिल्लाए और मारो और मारो। तुमने उस बच्चों को उस दिन डराया था किस लिए? ये बोल रही है कि उस दिन तुम्हारे साथ में कुछ गलत हुआ था। जी बाबा जी। उसके पीछे का जो वजह थी इसके ही थी। हाँ बाबा जी। अब तुम क्या कहना चाहते हो? चला दूँ इसे? जी बाबा जी। चला दो। बाबा जी पीछे जैसे आवाज आ रही थी और बदबू आ रही थी हमें, उस वक्त जैसे हमने ऐसे नहीं बताएगी। आराम से बैठ, हमारी ताकतों से तू रूबरू नहीं है। अब बता उस दिन मेरे बच्चों को किस लिए डरा रहा था तू? बिल्कुल बिल्कुल पेड़े लगाओ उसे, मजाक समझ रखे हो क्या? मारो उसे, मार मारो, खिले मारो खिले मारो खिले मारो। सच बता वरना फिर
आराम से बैठ, हम तुझे आजाद कर देंगे, मगर तू आराम से बैठ, हमारे जो सवाल है उन सवालों के जवाब दो। बिल्कुल बिल्कुल, तुम जाओ जिसके शरीर में आ सकते हो। आराम से बैठ। मोनू मोनू मोनू, नहीं 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 मोनू, नहीं मोनू, छोड़ दे इसे, कर देते इसे, कर देते, सीधा बैठ, सीधा बैठ। मोनू, बड़ों के सामने कैसे बैठते हैं, तुम्हें तहजीब नहीं है। मोनू, अब बता आखिर में तू क्या चाहता है। इनको बोल दीजिए जिस जगह ये आते हैं वह हमारा एक कबीला है, यहाँ आके वो सबको परेशान करते हैं। बिल्कुल, तो इनको बोल देना आज से बाद उस जगह पे ये नहीं आए, वह हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम समझते हैं इस चीज को, मगर तुम्हें हमारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना था। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता हूं। तुम हमारी ताकतों से रूबरू नहीं हो, ये देखो हमारी ताकतें, और बताओ कितनी ताकतें हैं हमारे पास, दिख रहा है, दिख रहा है, देख मेरा कबीला। नहीं 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 नहीं, अब रूबरू है हमारे ताकतों से। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अब मेरे जो सवाल है उन सवालों के तुझे जवाब देना है, क्या तू सही से देगा? जो आप बोलोगे वैसे जवाब दूंगा मैं। हमारे सामने बड़ी बड़ी ताकतें कुछ नहीं है, तो ये तो बच्चा है हमारा। अब तशरीफ लाइए, बैठिए, अब हम इनसे बात करते। तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? मेरी मौत एक हादसे में हुई है। तुम इस कबीले में कितने सालों से रह रहे हो? मुझे 200 साल हो गए। 200 साल की उम्र है तेरी? हमारी मरने के बाद कोई उम्र नहीं होती है, हम आजाद हो जाते हैं। आजाद करना है इसे, आजादी पे हम जश्न मनाएंगे। तू आजादी चाहता है? बिल्कुल, मगर तुझे हमसे एक वादा करना है। वो वादा तू करेगा? मैं आप जो बोलेंगे वो वादा मैं पूरा करूंगा। पूरा करोगे? बिल्कुल, कर सकता है। तुझे उस रोड पे कोई भी आने जाने वाले आदमजात को परेशान नहीं करना है। नहीं करूंगा। नहीं करोगे तुम? नहीं करूंगा। नहीं करोगे? नहीं करूंगा। सच्चा वादा है? सच्चा वादा है। जीनों वाला वादा करते हो तुम? मैं आपसे कभी झूठा वादा नहीं कर सकता, मेरी ताकत आपकी ताकत के आगे कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, मगर एक चीज याद रखना, बिल्कुल बिल्कुल उसके भी लाइए लाइए, तेरा साथी आ रहा है। उसे मत बुलाओ, उसने मुझे घास से मारा है। बिल्कुल, और उसके बाद वो भी मर गया एक हादसे में। आ,
जाइए मुझसे, ये तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इससे दूर न जाइए, ये तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नहीं, इसे दूर ले जाइए मुझसे। बिल्कुल, इसे तुम्हें आजाद करना है, तो इसे अपने कबीले से आजाद करो, इसे आजादी दो। नहीं, नहीं दे सकता मैं, तुम्हें सजा मिलेगी। इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है इसको इतनी बड़ी सजा मिल रही है? इसने बेवजह हमारे कबीले में दखल अंदाजी की है। दखल अंदाजी की है, उसकी सजा। इसने बहुत सारे हमारे कबीले में नुकसान भी किया है, इसलिए हमने इसे बंदी बना कर रखा है। और मगर हम आपको बोल रहे हैं, इन्हें आजाद करो। नहीं, नहीं कर सकता मैं इसे आजाद करो, कि अगर इसे मैं आजाद कर दूंगा तो मुझे मेरे कबीले वाला जान से मार डालेंगे और मुझे हमेशा के लिए कैद कर लेंगे, और मैं कैद नहीं होना चाहता। एक चीज ध्यान रख, मैं तुझे 7 दिन की मोहलत देता हूँ, क्योंकि 7 दिन के भीतर इससे मुझे बहुत कुछ काम, नेक काम करवाने हैं। झटका देके निकल जा, झटका देके निकल। सामने हाजिर करो, सामने आइए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब तो हमसे एक चीज का वादा कर, कि तुझे हम आजाद करवाएंगे तुम्हारे कबीले से, मगर हमने 7 दिन की मोहलत दी है उनसे, क्योंकि बिना आजादी नहीं कर सकते हैं कुछ काम। मगर उससे पहले तूने हमसे वादा किया है कि तू हमारे काम आएगा, और वो काम तू करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये काम तुझे खुद ब खुद करना है, मेरे बच्चों को अपनी मंजिल तक पहुंचाना है, और तुम्हारे कबीले वालों से तुम्हें जंग करनी होगी। तुम कर पाओगे, उसके बाद ही तुम्हें आजादी मिलेगी, हम दिलाएंगे तुम्हें आजादी। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर तुम्हें आजादी मिलके रहेगी। जाइए, आप जाइए, बैठाइए इन्हें, बैठा दीजिए। अल्लाह, अब तुम उस जगह पे वापिस जाना, तुम्हारी हिफाजत करेगा और तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। बाबा जी, अब मुझे क्या करना होगा वहां जाकर? अब तुझे वापिस जाना है और वही काम को दोहराना है, मगर इस बार तुझे नारियल के साथ में मिठाई लेके जाना है, और उसके साथ में सिंदूर लेकर जाना है। उस नारियल के ऊपर उस सिंदूर को लगा के तुम्हें वही वजीफा वापस करना है। उसके बाद हम तुमसे वापस रब्ता करेंगे इंशा अल्लाह, और इस बार तुम्हें कामयाबी मिल के रहेगी। मगर एक चीज ध्यान रखना, इसका खून बहुत हल्का है, इसलिए इसको ताबीज पहना के लेके जाना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, सॉरी, बनो एक मिनट।
पानी पानी शाहरुख 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 ये पानी पी जल्दी से पानी पी पानी जल्दी से पी आज मैं क्या ना भूल गया बाबा जी से, मेरी जो इच्छा थी वो शायद मैं बाबा जी से नहीं कह पाया। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं अगले पार्ट में मैं भूल गया अपनी इच्छा बताना बाबा जी को, और मैं भूल गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ मेरी क्या इच्छा है। बाबा जी से तो मैं कहना भूल गया, नेक्स्ट बार बाबा जी आएंगे तो मैं ज़रूर याद रख के कहूँगा। तो दोस्तों मेरी इच्छा ये है कि मैं बिग बॉस सीजन जो बिग बॉस शो आता है कलर से, दोस्तों मैं उसका बहुत बड़ा मतलब फैन भी हूँ, और मैं एक इच्छा रखता हूँ कि मैं उस शो में जाऊँ एक बार, ठीक है। तो दोस्तों बिना आपके सपोर्ट शायद मैं नहीं जा पाऊँ, बस मेरी यही इच्छा है। मैं बाबा जी से यही बोलना चाहता हूँ, बाबा जी क्या मैं बिग बॉस में जा पाऊँगा, और अगर मैं जाना चाहता हूँ आप मेरी उसमें दुआ कीजिए, मदद कीजिए मेरी। तो दोस्तों आपका आपका जो है आपको ये करना है कि आपको सलमान खान की प्रोफाइल जो कि इंस्टाग्राम के अकाउंट है उनके अभी न्यू जो भी पोस्ट अपलोड की उन्होंने उसके कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना है ब्लॉग शराफत पठान को बिग बॉस में एंट्री दो, ऐसा आप सभी को लिखना है। और जो जो भाई मुझसे प्यार करता है, मुझे सपोर्ट करता है, मुझे रियल में देखना चाहता है बिग बॉस, क्योंकि मैं जाना चाहता हूँ, अगर आप मुझे बिग बॉस में देखना चाहते हो तो आप ज़रूर जाइए। और सलमान खान की जो इंस्टा आईडी है बिंग ह्यूमन सलमान का बिंग सलमान खान, वहाँ पर जाइए, उनकी पोस्ट पर जाकर लिखिए ब्लॉग शराफत पठान को बिग बॉस में लो। क्या लिखना है? ब्लॉग शराफ मेरे चैनल का नाम लिखना है ब्लॉग शराफत पठान, और इनको एंट्री दो, ब्लॉग शराफत पठान को एंट्री दो। ये दोस्तों आप प्लीज़ जाइए उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट, क्या पता सलमान भाई आप लोगों का किसी एक लोग का कमेंट देख ले, बहुत सारे कमेंट होंगे तो देखेंगे, और क्या पता मुझे बुला ले और मेरा ड्रीम पूरा हो जाए। और मैं बाबा जी से भी दुआ करवाऊँगा कि बाबा जी आप मेरे लिए ये काम करें, मैं जाना चाहता हूँ। तो ये मेरी छोटी सी इच्छा है, तो आप ज़रूर मेरी इस इच्छा को पूरा कीजिए, मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो गाइज अभी जो दानी जैन का जो मसला है उसमें ये बताया बाबा जी ने कि आपको वहाँ पर जो भी वो मुझे गंध आई थी, जो भी वो थोड़ा नारियल जैसे गिरा था, तो बाबा जी ने उस आत्मा को बुलाया और उसने मदद करने का बोला है, और बाबा जी इस बार मुझे मिठाई भी लेने का बोला है, सिंदूर भी बोला है, और ये आत्मा जो है मुझे मदद करेगी। और बाबा जी ने ये भी बोला है कि इस बार इंशाल्लाह तुम्हारी जो बात है वो दानी जैन की आत्मा से हो जाएगी, फिर से राबता होगी बाबा जी से। तो देखते हैं और हमें दानी जैन की आत्मा को बुलाने के लिए क्या क्या करना होगा, जो भी करना होगा हम सब कुछ करेंगे आप लोगों के लिए, और इंशाल्लाह दानी जैन की आत्मा को ज़रूर बुलाएंगे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टिल देन वॉच और वीडियो रखें।